Rahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathhimath.com. Let's start with question number 2 and 5th part of exercise number 4.4. The statement of this question is actually we have to evaluate this question. So our purpose to given hai, ye hai minus 1 plus square root of minus 3 sare ki power 5 plus minus 1 minus square root of minus 3 sare ki power 5. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर की बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज हैं जो कि हैं माइनस वन प्लस के रूट ऑफ थ्री ओवर टू ये है ओमेगा और माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू ये है ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अगर यहाँ पे माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री के बटे में डिनोमिनेटर में अगर यहाँ 2 आ जाए तो ये सारे का सारा हमारे पास यानी ये सारी की सारी चीज ये हमारे पास ओमेगा बन सकती है और अगर यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 2 किसी तरह से हम ले आए तो ये सारी की सारी चीज हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन सकती है। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी वहीं की वहीं है। तो लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाए। तो ये यहाँ क्योंकि अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 आ चुका है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ चुका है, इसलिए इसको हम 2 ओमेगा और इसको 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसे यहाँ पे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इसकी पावर भी 5 और इसकी पावर भी 5 आ गई। अब ये जो 5 है ये 2 की पावर भी है इसलिए हमने इसे 2 की पावर 5 लिख लिया। ये ओमेगा तो यहाँ पे ये ओमेगा की 5 यानी 2 की 5 और ओमेगा की 5 आ गई। इसके बाद ये हमारे पास 2 की 5 और ओमेगा स्क्वायर की 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 2 की पावर 5 32 आ जाएगा और साथ में ओमेगा की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 5 यहाँ भी 32 आ गया और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 यानी कि ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये ओमेगा की 10 आ जाएगा। अब यहाँ भी 32 है यहाँ भी 32 है, दोनों में से 32 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ आ गया हमारे पास ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 32 इंटू ये ओमेगा की 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब और यहाँ पे ओमेगा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 9। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये इसी तरह से आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इसी तरह से आ गया और ये जो ओमेगा क्यूब है सॉरी ओमेगा की 9 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आया 1 की पावर 3। तो यहाँ 1 की पावर 3 ये 1 ही आ जाएगा और 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ओमेगा और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास ये 32 इसी तरह से साथ में आ रहा है। अब आपको याद होगा कि हम हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से होता है था जो कि याद रखने के लिए था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस 1 को पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 32 इंटू माइनस 1 यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह माइनस 1 रखा तो 32 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 32। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को एवेल्युएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स.com।